बात एक ऐसे हाई प्रोफाइल मामले की जिसमें माँ बेटी दोनों बीते 7 दिनों से लापता थे, जिन्हें पुलिस ने बनारस से खोज निकाला है। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सात दिन की सघन पड़ताल, मोबाइल से मिला सुराग, खत्म हुई लापता मां बेटी की तलाश। साजिश या सबक, ये तस्वीर उन मां बेटी की है जो 27 दिसंबर को रहस्यमय तरीके से मैहर से लापता हो गई थी। मां बेटी अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैहर पहुंची थी, जहां वो आखिरी बार अपनी एक सहेली से मिलने के लिए गई थी। लेकिन जब शाम को तय वक्त पर वो पति के पास नहीं पहुंची, तो पति ने पहले तो उनकी तलाश की और फिर जब कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस में मामले की सूचना दी। महिला अपने बच्चे के साथ सरला सीमेंट फैक्ट्री स्थित कॉलोनी में अपनी सहेली के यहाँ गई थी। वहाँ से वो लौट के आई और उसका अंतिम लोकेशन रेलवे फ्लाईओवर के पास दिखा। उनका पूरा परिवार दीप होटल दीप पैलेस मैहर में रुका हुआ था स्टेशन के पास, लेकिन ये महिला वहाँ पहुँची नहीं, नियत समय तक अपने होटल में नहीं पहुँची। तब उसके पति को चिंता हुई और उसके पति ने यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू किया और आके थाने में रिपोर्ट किया कि इसी तरीके से हमारी पत्नी एक बच्ची के साथ लापता है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और महिला की तलाश शुरू की। महिला की उस सहेली से भी जानकारी ली गई है जिसके पास महिला आखिरी बार गई थी, और उस ऑटो वाले से भी पूछताछ की गई है जो महिला को सहेली के घर से वापस लाया था। लेकिन इन सब से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे माँ बेटी का पता चल सके। इसके बाद पुलिस ने जब महिला का मोबाइल ट्रेस किया तो आखिरी लोकेशन मैहर रेलवे स्टेशन के पास मिली, जिससे पुलिस की परेशानी और बढ़ गई। तब पुलिस ने जहां वो लड़की गई थी उसकी सहेली से, ऑटो वाले से जो उसे लाके छोड़ा था, इन सबसे बातें की तो ये स्थिति स्पष्ट हुई कि लड़की अपनी बच्ची के साथ फ्लाईओवर में यहाँ तक आई है, उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा। पुलिस लगातार मां बेटी की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच साइबर सेल की मदद से पुलिस को एक ऐसे नंबर का पता चला जो वारदात के दिन मैहर और सतना में पाया गया। फिलहाल इस मोबाइल की लोकेशन बनारस में मिली। पुलिस ने इस आधार पर जब उस मोबाइल को चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ा तो वो गुम मां बेटी तक भी पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मां बेटी को किराए के मकान में रखा गया था, जिन्हें मुक्त करा लिया गया है। साइबर सेल सतना में उस महिला के टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल के नंबर्स दिए गए और साइबर में निगरानी इसकी की गई। इसके बाद ऐसा पता चला कि एक नंबर उस दिन मैहर आया है, यहीं आसपास घूमता रहा, मैहर से रीवा गया, रीवा से वापस जबलपुर होते हुए नागपुर गया और फिर वापस आके नागपुर जबलपुर मैहर रीवा होते हुए बनारस गया है। उस नंबर की लोकेशन ली गई तो ये बात खुल के आई कि वो नितिन गौड़ करके एक लड़का है बनारस का रहने वाला, वो ये नंबर चला रहा था, वो अंकित सिंह का नंबर चला रहा था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी नितिन गौड़ का कहना है कि वो महिला अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। उन दोनों के बीच कई साल से फेसबुक पर दोस्ती थी और महिला ने ही उसे फोन पर बुलाया था। कहानी ये भी निकल कर आ रही है कि महिला अपने पति की गलत हरकतों से परेशान थी, अपने इस फेसबुक दोस्त से मदद मांगी थी। मेरे साथ अपने से गई, राजी खुशी से गई थी, राजी खुशी, राजी खुशी से गई थी। आपको आपको बुलाया गया था वहाँ से? यस सर। बुलाने पर आप आए थे मैहर? जी सर। कितने वर्षों से दोस्ती थी आपकी उनकी? काफी समय से सर। काफी समय से चल रही थी? जी सर। लापता माँ बेटी अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या वाकई महिला अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी
या फिर युवक उसे अगवा कर ले गया था। लेकिन एक बात जरूर है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में मां बेटी को ढूंढकर पुलिस ने अपना खोया हुआ सुकून जरूर हासिल कर दिया है। नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज़, मैहर।